I assure you that your company will make you proud that you are a shareholder and a member of Reliance family. I thank you very much for attending this meeting in such a large number. Reliance Industries ने फिलहाल ही अपने 3 माह के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिनके मालिक श्री मुकेश अंबानी है, उनका कौन सा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी कुछ बढ़िया नहीं लेकिन बहुत बढ़िया बातें। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा बिजनेस रिफाइनिंग बिजनेस, जिसकी सिर्फ 3 महीने की आमदनी करीब 85,000 करोड़ रुपए है और प्रॉफिट ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज। दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस आता है पेट्रोकेमिकल का, जिसमें शामिल होती है रिलायंस की जामनगर की वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी ऑयल एंड गैस, जिसमें शामिल होती है करीब 40,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ मोर देन 6,500 करोड़ रुपीज। टुडे इट हैज ग्रोन इनटू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी। वी हैव कंप्लीटेड आवर ₹25,000 करोड़ US dollar 6 billion world-class refinery and petrochemical complex Jamnagar. Completion of Jamnagar complex will further enhance our leadership in the Indian economy. Reliance Industries का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस में शामिल होता है रिटेल का। इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन सेट करने वाले हैव 9,000 स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, जिसकी सिर्फ 3 महीने की आमदनी करीब 25,000 करोड़ रुपए है और जिसका प्रॉफिट करीब 1100 करोड़ से ज़्यादा है। अ पर्सन विथ बिग विजन, 1985 में श्री ध्रुभाई अंबानी ने बताया था कि टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस इज बेस्ट बिजनेस। उन समय लोगों के पास इंटरनेट तो छोड़ो लैंडलाइन भी नहीं था, फिर भी उन्होंने विजन से बताया था। तब उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि आई एम श्योर इंफॉर्मेशन विल बी द लार्जेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड इन अनदर 15 years, and I am trying to put a foot in the door there. We have paid a tribute to your prophecy by launching Jio, the harbinger. हम सबका फेवरेट रिलायंस जियो, जिसने टेलीकॉम की क्रांति सर्च कर दी। जियो हैव मोर देन नाउ 230 मिलियन सब्सक्राइबर, जिसका सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट करीब 600 करोड़ से ज्यादा होता है। रिलायंस के अंडर में आने वाली सब्सिडीज कंपनीज रिलायंस चैनल्स, TV18 ब्रॉडकास्ट, बहुत कम लोग जानते हैं कि बुक माई शो, मनी कंट्रोल, CNBC TV18, CNBC आवाज, कलर्स, ETV, MTV जैसी कई बड़ी ब्रांड के मालिक भी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही हैं, जिसकी आमदनी 3 महीने के करीब 2500 करोड़ रुपए होती है और उसका 3 महीने का प्रॉफिट करीब 110 करोड़ रुपए। सभी चीजों का टोटल नेट प्रॉफिट सिर्फ 3 महीनों का करीब 9,560 करोड़ रुपए होता है, यानी कि सालाना रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट करीब 35,000 करोड़ रुपए होता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज कीमत करीब 60 लाख करोड़ रुपए है, यानी कि $100 billion है। रिलायंस जिस जिस बिजनेस में गया है वहाँ वहाँ मार्केट लीडर बन गया है। इस सभी का सबसे ज़्यादा श्रेय कंपनी के पहले नींव रखने वाले श्री धीरूभाई अंबानी को जाता है, जिन्होंने खुद से ज्यादा पब्लिक को पहले रखा और पैसे बनाए गए। सोच थी, सपना था, हर एक को आवाज दूं, हर बंद द्वार खोल दूं, बोले हर कोई, पढ़े हर कोई। एक सोच थी, एक सपना था, बोले हर कोई। कई बार गिरा हूं तब जाके सीखा हूं। पैसे बचाने के लिए पायधुनी से 20-20 किलोमीटर चलाऊं, केला सिल का ये बड़ा करता सर पिटो के। पैसे की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। अगर पैसा बन सकता था तो मैंने बनाया है, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने 30 लाख शेयर होल्डर के लिए भी। किस बात से नाराज है आप लोग, मेरी तरक्की से या मेरी तरक्की की तेजी से?
friends, your continued association with the company has been a source of great inspiration and strength. I assure you that your company will make you proud that you are a shareholder and a member of Reliance family. I thank you very much for attending this meeting in such a large number. शक्ति परिवार को गुरु कांत देसाई का नमस्कार। सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? I want to dedicate these 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shree Dhirubhai Ambani. This year, Reliance alone will account for nearly 3% of India's GDP. We alone will contribute nearly 5% of the total central government total revenue. For the first time, India, from being a net importer of petroleum products, emerged as a net exporter. या देखें एक और सपना, बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, बता दे दुनिया को कि हमारे